स्टार्टिंग के अंदर कोशिश करें 20 मिनट, अगर प्री अफ्तार वर्कआउट कर रहे हैं 20 मिनट से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर 30 मिनट और जैसे जैसे एनर्जी लेवल आप कोशिश करते हैं प्री अफ्तार वर्कआउट, अगर थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट भी हम साथ साथ कर लें। हां मैं एक्चुअली डेमोंस्ट्रेट भी कर देता हूं। स्ट्रेचेस से स्टार्ट करें, मैं अरेबिक वर्कआउट जिसको, ओके एक मिनट रुकिएगा, मेरा कैमरा कौन सा है, ये कैमरा आपका, ओके ठीक है। अच्छा जी, डायनेमिक स्ट्रेचेस से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर एरोबिक वर्कआउट बहुत कम होगा। मैं प्री अफ्तार वर्कआउट बता रहा हूँ, इसके अंदर एरोबिक वर्कआउट कम होगा जिसके अंदर जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, बाइक, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कम करें बल्कि ना ही करें। स्मॉल मसल ग्रुप से बाइसेप्स से स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत बेसिक वर्कआउट्स हैं। बाइसेप्स मैं 10 रैप्स हर एक के कर लेता हूँ, उसके बाद फिर कीप ब्रीदिंग, ब्रीथ हमेशा, जब भी रेजिस्टेंस फील करेंगे एनएरोबिक वर्कआउट में, एनएरोबिक वर्कआउट है वेट ट्रेनिंग, इसमें जब भी स्ट्रेस फील करेंगे, स्ट्रेंथ फील करेंगे उठाते हुए या बैठते हुए जो भी है उसके अंदर एक्सहेल करेंगे, जब आप रिलैक्स होंगे तो इनहेल करेंगे। ओके ओके, सो हियर वी गो, सो चेस्ट वर्कआउट, प्रेसेस, फ्लाइज, मैं बहुत क्विक से बता रहा हूँ। कुछ लोग सहरी के वक्त भी प्लान करते हैं जो कि पहले से फिटनेस की बिफोर सहरी की बात करें, हाँ वो सही है, और आफ्टर सहरी तो नहीं, आफ्टर सहरी अगर इतने मॉर्निंग में करेंगे तो आप बताए ना पूरे दिन गुजारना है, एनर्जी लेवल्स कहाँ होंगे, पांच को मिनट कर लें। अगर वो ऐसे हैं कि वो सोए और फिर मगरिब में उठ रहे हैं तो फिर वही गलत चीज़ है, ऐसे भी लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं करना।